हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। बच्चे लोगों को पनीर बहुत पसंद है, लेकिन बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं। आज हम एक नया मिक्स वेजिटेबल पनीर का रेसिपी बनाएंगे। बच्चे को देखने के लिए भी अच्छा लगता है और खाने के लिए तो बच्चे टूट पड़ेंगे। एक बार खाएंगे तो बार बार पूछेंगे और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है। बच्चे का स्कूली टिफ़िन के लिए ये एक हेल्थी नाश्ता है और पूरा परिवार के लिए शाम के टाइम आप इसे खाने के लिए बना सकते हैं। तो चलो इसे कैसे बनाते देखेंगे। और आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा नया रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। ये वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको इसे परफेक्ट कैसे बनाते ये पता चलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए एक कप कसा हुआ पनीर, एक कप कसा हुआ गाजर, आधा कप फ्रेश मटर, आधा कप पत्ता गोभी और एक आलू कसा हुआ, उसको पानी में डाल के रखिए, वो काला नहीं पड़ेगा। और एक बारीक कटा हुआ प्याज लीजिए। इसके बाद एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल दीजिए, उसको गरम कीजिए। गरम होने के बाद उसमें जीरा राई डाल दीजिए और बारीक कटा हुआ प्याज डाल दीजिए, 2-3 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डाल के उसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक भूनिए। बाद में उसमें कसा हुआ गाजर डाल दीजिए और पत्ता गोभी डाल दीजिए और अच्छी तरह मिक्स कीजिए। और कसा हुआ आलू भी डाल दीजिए। सभी को अच्छी तरह मिला लीजिए, उसमें का पानी सभी निकल जाना चाहिए। तब तक उसको थोड़ा सा भून लीजिए। बाद में उसमें हरा मटर डाल दीजिए। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। पहले स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, आमचूर पाउडर, गरम मसाला और कड़ी पत्ता धनिया डाल के अच्छी तरह मिक्स कीजिए। लास्ट में इसमें कसूरी मेथी को दोनों हाथों में लेके अच्छी तरह रगड़ के डाल दीजिए ताकि इसका अरोमा अच्छा आएगा। इन सभी सब्जियों को धीमी आंच पे अच्छी तरह भून लीजिए ताकि इसमें का पानी जो है ना वो पूरा तरह से निकल के और एक ड्राई सब्जी बन जाए। लास्ट में गैस बंद करके इसमें आधा नींबू को निचोड़ दीजिए, ये टेस्ट के लिए अच्छा लगेगा। इसको एक प्लेट में निकाल दीजिए, निकाल के इसको ठंडा होने दीजिए। अब हम आटा रेडी करेंगे। एक कढ़ाई में 1.5 कप पानी लेंगे और 1/2 स्पून तेल डालेंगे। और स्वाद अनुसार नमक डालिए। और पानी को बॉईल होने दीजिए। बॉईल होने के बाद 1 कप चावल के आटे को थोड़ा थोड़ा करके डालिए ताकि वो गुठली न बने और अच्छी तरह से मिक्स करके उसको ढक्कन लगा के 5-10 मिनट के लिए रख लीजिए। अभी ढक्कन निकाल के आटे को अच्छी तरह से मल लीजिए, वो सॉफ्ट होना चाहिए तब तक उसको मल लीजिए।
बाद में हाथ को तेल नहीं तो पानी लगा के थोड़ा सा आटा लेके उसको गोल बना के उसको थोड़ा सा दबा लीजिए, हाथों से दबा लीजिए। फिर एक प्लास्टिक सीट लेके उसको तेल लगा लीजिए, तेल लगा के उसके ऊपर रख के उसको पूरी जैसा बना लीजिए। पूरी सेप बनने के बाद उसको हाथों में लेके उसमें बनाया हुआ सब्जी पनीर मसाला भर के उसको चारों ओर से दबा के एक गोल शेप दीजिए। ऐसे सभी आटे का गोले बना के रखिए। इसके बाद एक स्टीमर का प्लेट लीजिए, उसको अच्छी तरह तेल लगा लीजिए। तेल लगा के सभी गोले को उसमें रख लीजिए। मैंने पहले से ही स्टीमर का बर्तन में पानी डाल के गर्म करने के लिए रखा था। अभी ये सभी गोले को उसमें रख के ढक्कन लगा लीजिए। उसको 15 से 20 मिनट तक मीडियम आंच पे स्टीम कर लीजिए। 15-20 मिनट होने के बाद ढक्कन खोल दीजिए और गैस बंद करके वो सभी गोले को एक प्लेट में निकाल दीजिए। अब इसको ट्विस्ट देंगे, एक तवे पे थोड़ा सा ही तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं, और सभी गोले को तवे के ऊपर रख के शैलो फ्राई करेंगे ताकि ये थोड़ा सा कुरकुरे बन जाते, उससे अच्छा लगेगा, खाने के लिए टेस्टी लगेगा। आप इसे बिना फ्राई किया बिना भी खा सकते हैं स्टीम किया हुआ, लेकिन फ्राई किया तो थोड़ा सा कुरकुरेपन हो जाएगा, टेस्टी लगेगा खाने के लिए। सभी तरफ से फ्राई होने के बाद इसका कलर जो है ना चेंज हो जाता है, देखिए ऐसे हो जाते हैं। उसको एक प्लेट में निकाल दीजिए। अब देखिए ये गोला जो है ना फ्राई किया हुआ है, ये स्टीम किया हुआ है। अभी मैंने दोनों तोड़ के दिखा दूंगी आपको कैसे फ्लफी बन गया। देख लीजिए ये फ्राई किया हुआ है और ये बिना फ्राई किया हुआ है, अंदर कितना सॉफ्ट अनि फ्लफी हो गया। इसे सॉस अनि मायोनीज के साथ खा सकते हैं। वही पनीर सब्जी को हम लोग सैंडविच भी बना सकते। इसके लिए मैंने ब्रेड लिया है और पिज़्ज़ा सॉस लिया है। पहले ब्रेड को पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। अभी एक ब्रेड के ऊपर वो पनीर सब्जी लगा देंगे। सब्जी को ब्रेड के ऊपर सभी जगह से फैला लीजिए। फिर उसके ऊपर दूसरा ब्रेड लगा के हाथों से दबा लीजिए। गरम किए हुआ तवे पे बटर नहीं तो घी लगा के बनाए हुआ सैंडविच उसके ऊपर रख के अच्छी तरह से दोनों साइड से रोस्ट करेंगे। अभी हमारा सैंडविच रेडी हो गया। उसको आप कौन सा शेप चाहिए वो शेप में कट करके चाय के साथ खा सकते हैं। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।